हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन N1 बायोलॉजी। मैं अनुज कुमार। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी में अबाउट द एनिमल किंगडम्स, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस। प्लैटीहेल्मिन्थीस, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्लैटी। प्लैटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थीस मीन्स वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स है, उनको रखा गया है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस के अंदर। और ये कैसे फ्लैट है? दे आर डोर्सी वेंट्रली फ्लैट। ये डोर्सी वेंट्रली फ्लैट होते हैं। इसकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की सबसे पहले बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात अगर करें तो इनका हैबिटेट क्या है? दे मे बी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्पेसीज आर पैरासाइट्स। ज्यादातर ये क्या है? पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स मीन जिनको सर्वाइव करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, जो किसी भी बॉडी के ऊपर रहते हैं। और ये क्या है? एंडो पैरासाइट है। एक्चुअली पैरासाइट दो तरह के होते हैं। एक तो वो पैरासाइट विच लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट एंड विच सर्वाइव इन द इंटरनली। जो इंटरनली सर्वाइव करते हैं वो क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट्स होते हैं। तो ये मोस्टली क्या है? एंडो पैरासाइट्स है। जैसे हमारा टीनिया फेसियोला हुआ, जिसको फीता कृमि बोलते हैं, और जो है आपका फेसियोला है, ये क्या है? ये एंडोपैरासाइट्स है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मीन सेल से टिश्यू फॉर्म होंगे, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होंगे। जर्म लेयर्स, तो इसमें आपका ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें तीनों जर्म लेयर आपका प्रेजेंट रहेंगी। सीलोम की बात करें तो ये एसिलोमेट है। एसिलोमेट इसलिए है क्योंकि जो इसका मीजोडर्म है वो कैसा है? सॉलिड मीजोडर्म है। और इसके अंदर ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट्स मतलब मींस देयर इज ओनली वन ओपनिंग। इसमें जो है माउथ और एनस का काम एक ही ओपनिंग से होता है, तो इसलिए इसका बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान उस प्लान को बोलते हैं जहां पर केवल एक ही ओपनिंग प्रेजेंस होती है। सिमेट्री इसकी कैसी है? इट्स हैव द बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि मींस इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू हाफ ओनली फ्रॉम वन एंगल। केवल एक एंगल से इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेगमेंटेशन इसके अंदर नहीं होगा, और नोटोकॉर्ड भी इसमें एब्सेंट रहेगी। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो डाइजेशन जो है इसमें, इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। यानी कि इसके अंदर मीन्स कोई भी प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंस नहीं है। और जो भी पैरासाइट है